disrespecting me when i'm vlogging Who don't do you? this Who bro, respect you? you that's that that you don't have respect in this house yeah go outside you become homeless no need in this home you're uh, 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 <laughs> yeah that's true get the hell out of here uh, <laughs> i'm not scared bro ज्यादा okay, लेट चालू किया मतलब मैं छह बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ नहीं पता क्यों और मैं अभी जस्ट रहा के निकलाउं और आप लोग को बिलीव नहीं होगा गाइस की अभी कॉलेज खुले हुए आप लोग को पता होगा की सत्रह नवम्बर को कॉलेज चालू हुआ था और अभी डेढ़ महीने बाद यानी कि 27 तारीख को अपन का क्लास टेस्ट चालू होने वाला है जिसका मार्क्स पचास नंबर और उसमें दो यूनिट्स आ रहे हैं भाई मतलब मेरा हालत खराब है ठीक है मेरा कॉपी सब कंप्लीट है बट अगर आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पढ़ाऊं पिछले एक महीने से मैं कुछ भी पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ध्यान पूरा इसमें ब्लॉगिंग में था तो अब मैं गाइस पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूं आज फाइनली कल डिसाइड किया था कि कल पढ़ूंगा बट कल करते करते प्रोकाशिनेशन करते करते आज मैं पहुंच चुका हूं शाम को साढ़े छह बजे की मेरे को एकदम जोश आया कि यार आज से ना मतलब पढ़ेंगे बैठेंगे एकदम सेटिंग लगाएंगे दो तीन घंटे का कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर और पढ़ेंगे फिर अच्छे से नंबर लाएंगे फोर्टी नाइन हाफ उसके बाद फिर दिखा के पूरा घूमेंगे किस कॉलेज में कि यार देखो मेरे को इतना नंबर आया ऐसा कुछ भी नहीं है इस मजाक कर रहा था अगर कैसे आप लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा नाम अमन है आप लोग देख रहे हो अमन कुमार ब्लॉग्स और मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरी एक वीडियो में ये गलती हुई थी कि ना मैं रॉयल एनफील्ड का बाइक देखने गया था मिटियार और, और मैं उसको पूरे वीडियो में, में मेट्रो और 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 और मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना जब मेरा भाई बताया कि वो मिटियार है मेटरोर नहीं है तब तक के शायद से उसमें ना सिर्फ डेढ़ सौ दो सौ व्यूज थे और तब मैं ब्लॉग देख रहा था और जहां पे मैं मेट्रोर मेट्रो और बोला इतना ज्यादा मेरा दिमाग गुस्सा हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता लिटरली मैं आज के डेट में उस वीडियोस में वीडियो में कितना ज्यादा व्यू आप देख सकते हो जाकर और सब लोग मेरे को बुली कर रहे हैं ये चीज के लिए कि तेरे को स्पेलिंग नहीं आता बोलने का उस बाइक का मत रिव्यू कर आई एम सो सॉरी गाइज उस चीज के लिए मैं आपसे माफी चांग मांग, माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने मेट्रोर मिट्योर को मेट्रोर बोला तो आई एम सॉरी मिट्योर था वो बाइक

लाइट्स इन माय होम और घर सजा है क्रिसमस ट्री बिगेस्ट क्रिसमस ट्री इंड इन इंडिया ये सब मतलब पूरा ना सोच के रखा हूँ कंटेंट बट टाइम कब मिलेगा कुछ पता नहीं है वो सब चीज का क्योंकि अभी क्लास ट्रेस भी आने वाला है सत्ताईस तारीख से उसका भी पढ़ना है बहुत सारी चीजें होने वाली है लेकिन हमारे दिमाग में भी चल रहा बट हमें टाइम मिलता है कि वो सब देखना और मैं किचन में आ गया हूँ क्योंकि तो मैं दो तो ना अभी चाय बनाना है चाय मतलब बना हुआ है मैं नहाने गया था ना तो फिर पापा को बोल दिया था कि मेरे लिए चाय बना कर रख दीजिए और मैं इसे गर्म करके पी लूंगा पहली बार कुछ सही बोले ऐसे सीन में पता है आपको क्या करना है आपको पहले इसको उठाना है इसको फिर दूसरे जगह इसको फिर ऐसे करके, ऐसे करके ना यहाँ ये घुमा तो के निकालना है और रियलाइज रिया, हुआ कि एक कप के लिए ये बहुत ज्यादा है तो एक कप चाय के लिए अपन को छोटे में भी काम चल जाएगा तो ये हमारा आ चुका है चाय और भाई मतलब ना ठंडी में बैठ के पढ़ने का अलग ही लेवल का मजा रहता है और मैं इसको निकाल लेता हूँ अपना टेबल ये जिसमें हम पढ़ते हैं निकाल कर अब सेट करते हैं आ, एक हाथ से सब कर लेते हैं अपन तो ये है मेरे एग्जाम के डेट सिटी टाइम टेबल दो एग्जाम होगा एक ही दिन भाई मतलब देख रहे हो सत्ताइस तारीख को एक सत्ताइस तारीख को दूसरा एग्जाम पैरा फिजिक्स रहेगा पहले शिफ्ट में दूसरा शिफ्ट में रहेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड डिजाइनिंग और अट्ठाईस को ऐसी मैथ है एंड एफ है उसके बाद बी डबल कुछ नहीं है फिर अभी गए और मेरा हो चुका है मतलब कि दो बार का पच्चीस पच्चीस मिनट का पढ़ लिया हूं और उस, उतने में मेरा सिर्फ फिजिक्स का एक ही डेरिवेशन हुआ है वो भी है डी ब्रोगली मैटर वेव्स और उसके बाद फिर ना अब एसेलेटेड विद चार्ज पार्टिकल वाला कर रहा था फिर मैं उसको किया नहीं हूँ अभी बाद में करूंगा अभी मैं जा रहा हूँ मेरा डिनर वन करने के लिए फिर डिनर टू ग्यारह करूंगा मैं तो मैं मिलता हूँ आप लोग से अपने डिनर के बाद या फिर देखते हैं क्या सीन रहता है बाहर लोगों को मोटो ब्लॉगिंग का एक क्लिप दिखाऊंगा जो मेरे साथ एक आंटी जी ने मैटर किया था गाइज अभी हो रहा है दस बारह और मैं अभी उठा एक सीटिंग लगाकर बी डबल ई का और लिटरली में मैं बस कॉपी को देखा हूँ जितना भी देर में बैठा हुआ था क्योंकि बी डबल ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली वो ना बहुत छोटा रहता है उसका क्वेश्चन ठीक है उसको मैच वैश बस निकालना है नोट्स निकालना है ये सब करना है वो सब तक ठीक हो जाता है वो सब वहां तक बट उससे ज्यादा वहां पर दिक्कत आता है जब आपको समझ नहीं आता है कि वो नोट्स को कहा से क्या करे वो करेंट कहाँ से फ्लो होगा इतना ज्यादा इसमें गणित लगता है कि मैं बता नहीं सकता बस मेरे को वो सब चीज में बहुत ज्यादा तकलीफ है और बी डबल ही मेरे से नहीं बन रहा है मतलब और उसमें वो वाला चल चल <laughs> नहीं आप पक्का चल हो देख एक लाख एक लाख के अंदर के तो नहीं 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 ना मम्मा उतना नहीं। वैसा नहीं आएगा वैसा नहीं आएगा ना, <coughs> <नहीं आएगा> ना। <coughs> मम्मा फील नहीं, नहीं आएगा वैसा चलाने में प्लीज प्लीजा प्लीज ना अरे मम्मा लोग भी देखते हैं ना नहीं लोग किसी का कुछ नहीं देखते अरे मैं लोगों को सिखा रहा हूँ मम्मा वो चीज मैं लूंगा तो उससे मैं भी मेहनत करूंगा प्लीज मम्मा ले लो प्लीज मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज नहीं, तो नहीं।, मामा, नहीं ना यार मम्मा एक लाख तक के लूंगा तो इससे अच्छा में मैं छह महीने इंतजार करके अपने मेहनत का नहीं ले लूं तो चिंटू क्या नहीं जाएगा क्या कोचिंग तो स्कूटी क्यों बेचा इतना नाटक मैं, मैं बेचा मैं तो बेचा तो मैं बेचा मैं बेचा आपने दिखा रहे हो क्या तो मम्मा प्लीज नहीं है ले, ले लो, लो अभी पता है वीडियो के पहले तक क्या थे आप ले दाम बताया मैं आपको मम्मा मम्मा मैं आपको दाम बताया मम्मा प्लीज मम्मा ले लो मम्मा रशी जैसे बोले ले लो रात का में बोल सकते हूं। लेकिन थोड़ा, थोड़ा पी रहा हूँ क्योंकि मैं उतना ज्यादा वर्क भी कर रहा हूँ और अभी ना पापा बुआ से बात कर रहे हैं और मम्मी फोन में लगी हुई है और बाइक का आप लोग जैसे देखे एकदम मतलब कि थोड़ा वो बोल सकते हो कि चल ही है कि कौन सा बाइक लूंगा क्या घर वालों का प्राइस है अब मम्मी का प्राइस है एक लाख ठीक है पापा का प्राइस है बुलेट मतलब मिटियोर ठीक है मतलब थ्री क्लासिक बट मेरा जो है मैं ये नहीं चाहता कि मैं पापा तक के जाऊं क्यों क्योंकि वो ढाई लाख बहुत ज्यादा हो जाता है और मैं घर वालों का दर समझता हूं कि उतना ज्यादा एक नॉर्मल फैमिली के लिए पैसा मैनेज करना बोल सकते हो कि गड़बड़ है मतलब बहुत ज्यादा टेंशन का काम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज्यादा आगे भी ना जाऊं ज्यादा पीछे भी नहीं आऊ पीछे यार स्प्लेंडर में थोड़ी ना देखोगे मेरे को चलाने में चला सकता हूँ मैं ठीक है बट मेरे हाइट छह फीट को देखकर मेरे हेल्थ को देखकर मैं नहीं चाहता कि मैं स्प्लेंडर में जाऊं या फिर मैं होंडा शाइन में जाऊँ या फिर होंडा वन ट्वेंटी फाइव में जाऊं इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छा लू यूनिक लू ताकि हर चीज में जगह मैं सही रहू यार नहीं पता यार क्या फिर मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ कुछ आइडिया नहीं है मेरे को बस मे को इतना पता है भाई ये कीड़ा कहाँ है यार हॉर्नेट देख होंडा की देख वो सब मैं नहीं देखने वाला तो गाइज मैं ऐसा इंसान हूं ना सच में कि मैं स्प्लेंडर में जाऊंगा ना मैं खुशी खुशी स्प्लेंडर में भी चलूंगा क्योंकि मैं दूसरे के ओपिनियन का मैटर नहीं करता मेरे को कि दूसरा क्या बोल रहा है दूसरा क्या सोचता है वो सब इसलिए मैं आई थिंक इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर और इतना अलग लेवल का मैं जीता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद की करो खुद की सोचो सुनो सबकी करो खुद की तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई फाइनल एक करू बाइक जल्दी बहुत जल्दी ताकि मैं न्यू ईयर तक के उठा लूँ बाइक उसके बाद फिर लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग राइड भी सोच रहे हैं अपन जो कि फेबरी के बाद होगा तो देखते हैं यार मतलब कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मैं स्प्लेंडर बिल्कुल नहीं लूँगा इतना याद रखना कि मैं एक्सपेक्टेशन को नहीं तोड़ूंगा किसी के भी मैं जो भी लूँगा बहुत अच्छा बाइक लूँगा सोच समझ के लूँगा पूरा और अगर उसके लूँगा उसके बाद फिर एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ और मैं बस यही बोलूँगा यार कि ना घर वालों को ज्यादा लोड मत दो क्योंकि पैसा हर आखिरी में मैटर करता है पैसा तुम गाड़ी ले लोगे गाड़ी को तुम वापस करके उतना पैसा नहीं ला सकते जितना तुम पैसा दे दियो इसलिए कोई गाड़ी नहीं देखेगा लोग तुम्हारा कंटेंट देखेंगे दैट्स मैटर एक बात बोला सही बात बोला सही बात बोला भाई यस तू तु जोश में था मैं जोश में था मैं हमेशा जोश में रहता हूं आकाश

पांच दिन एक स्टेट में पांच दिन एक स्टेट में, में प्लान है और आखिरी में स्टेट तो गोवा ही रहेगा ऑफ कोर्स तो मे भी देखते हैं पॉसिबल हो तो भाई गोवा स्टेट में नहीं आता है वो यूनियन टेरिटरी में आता है मतलब क्या होता है उसका कि मतलब ना वो इतना बड़ा है ए स्टेट लिया जाए जा। हाँ हा। तो इतना छोटा है कि दूसरे स्टेट में उसको मिला दिया जाए तो, यूनियन तो आज का ये ब्लॉग गाइस यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि मेरा ब्लॉग एडिट हो चुका है अभी रात का रहा है बारह पैंतीस और मैं अब सोने यहां हमारे पे इलेक्शन हो तो मिल। तो फिर मिलता हूँ और मैं भी नहीं पता कॉल कल कौन सा कंटेंट आएगा वह भी अब मैं सोच रहा हूँ मैं कंटेंट को इम्प्रूव करूँ और मैं आगे जाऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वो अमन बनूँ जो आप लोग अभी तक के नहीं देखे मैं भी चाहता हूँ कि मैं देखूँ उसको देखना कि वो अपने ब्लॉग के लिए और व्यूज़ के लिए क्या क्या कर सकता है तो मे बी ओला मन आ सकता है कुछ दिनों में शायद से तो बाय बाय टेक के सी ए फैम्पीज थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग मेरे हर एक वीडियोस देखने के दे। लिए दिल से रेस्पेक्ट भाई दिल से रेस्पेक्ट बस तो ऐसे ही देखते रहो ऐसे प्यार करते रहो मैं भी नहीं पता कल कहाँ पहुँच जाएंगे कल कल नहीं पता अपन कौन सी टॉलीवुड के पिक्चर में काम कर रहे होंगे यही जोश रखना